नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक वल्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे गोवर्धन पूजा के पावन मौके पर। कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार एवं झोटवाड़ा के लोकप्रिय बीजेपी विधायक कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी से सभी के जीवन में सदैव सुख समृद्धि एवं उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। इस मौके पर कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने कहा कि गोवर्धन पूजा हमें प्रकृति, पर्यावरण और गौ सेवा के प्रति हमारी जिम्मेदारियों की याद दिलाती है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि गाय केवल एक पशु नहीं है, बल्कि ये हमारी संस्कृति और आस्था का प्रतीक है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति और गौ रक्षा को लेकर समाज में जागरूकता बढ़ी है। आदरणीय मोदी जी के द्वारा गौ संरक्षण के लिए किए गए प्रयास हमारी सनातन परंपराओं के सशक्त करते हैं। कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने इस पावन पर्व के मौके पर देशवासियों से प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर भारतीय संस्कृति की महान परंपराओं को संजीव रखने का आह्वान किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच चले वार पलटवार में अब राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी शामिल हो गए हैं। दरअसल गहलोत ने केंद्र सरकार पर जनता से वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। गहलोत ने ट्विटर पर लिखा, राजस्थान में बीजेपी सरकार ने कांग्रेस सरकार की सभी योजनाओं को बंद कर दिया था, कमजोर कर दिया, और जिससे कि जनता की तीखी प्रतिक्रिया भी हो रही है। आपको बताते चले, राजस्थान के लोगों के बीच एक अध्ययन करवाना चाहिए ताकि पता चल सके कि हमारे घोषणा पत्र के अनुसार लागू की गई कांग्रेस सरकार की योजनाओं को बंद करने के कारण लोगों में कितनी पीड़ा है। और ऐसे में प्रधानमंत्री को इस तरह का बयान देते देखना बहुत दुखद है। उनकी सरकार 2014 और 2019 में जनता से किए गए वादे को पूरा करने में विफल रही है। तो देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर ट्विटर के माध्यम से ट्वीट किया गया है। और इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच चल रहे वार पलटवार में अब राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एंट्री हो गई है। दरअसल गहलोत ने केंद्र सरकार पर राजस्थान के सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। और इसी के साथ साथ ट्विटर के माध्यम से गहलोत ने लिखा कि राजस्थान में बीजेपी सरकार ने कांग्रेस सरकार की सभी योजनाओं को बंद कर दिया है, कमजोर कर दिया है, जिससे जनता में तीखी प्रतिक्रिया है। आपको राजस्थान के लोगों के बीच एक अध्ययन करवाना चाहिए ताकि पता चल सके कि हमारे घोषणा पत्र के अनुसार लागू की गई कांग्रेस सरकार की योजनाओं को बंद करने के कारण लोगों में कितनी पीड़ा है। और ऐसे में प्रधानमंत्री को इस तरह का बयान देते देखना बेहद ही दुखद है। और इनकी सरकार 2014 और 2019 में जनता के लिए किए गए वादों को पूरा करने में विफल रही है। तो जयपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे और इसी के साथ साथ बीजेपी की जीत के बाद से लगातार वार पलटवार चल रहा है। और अब इसमें पूर्व मुख्यमंत्री जो है अशोक गहलोत की एंट्री हो गई है, जिसके बाद से उन्होंने अब ट्विटर के माध्यम से तंज कसा है बीजेपी पर। और इसी के साथ साथ कहा है कि जो भी योजनाएं कांग्रेस की तरफ से चलाई गई थी, अब उसे बंद कर दिया गया है या तो कमजोर कर दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यह बड़ा बयान सामने आया है। और कांग्रेस सरकार में बने जिलों के रिव्यू के लिए बनी मंत्रियों की कमेटी ने काम लगभग पूरा कर लिया है। उपचुनाव के बाद कमेटी सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। सरकार नवंबर में गहलोत राज्य के छोटे जिलों को खत्म करने या बराबर रखने पर फैसला करेगी। मंत्रियों की कमेटी का भी मानना है कि मापदंडों को पूरा नहीं करने वाले जिलों को मर्ज कर देना चाहिए। रिव्यू कमेटी गहलोत राज्य के छोटे जिलों को खत्म करने की सिफारिश करेगी। रिव्यू कमेटी में शामिल कई मंत्रियों ने इस तरह के संकेत दिए हैं। पूर्व आईएएस ललित पवार कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर मंत्रियों ने हर जिले पर अपनी राय दी है, जो कि जिले मापदंड पूरे कर रहे हैं। जहां जनसंख्या और क्षेत्रफल ज्यादा है, लोगों की सुविधा के लिए जिला बनवाना जरूरी है, उन जिलों को बरकरार रखने की सिफारिश होगी। तो देखिए, जयपुर में तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां जिलों के रिव्यू के लिए अब काम पूरा हो चुका है। उपचुनाव के बाद कमेटी जो है रिपोर्ट सौंपेगी। 5 से 6 जिलों जो है छोटे जिले हैं, उन्हें खत्म होना अब लगभग तय माना जा रहा है। कांग्रेस सरकार में बने जिलों के रिव्यू के लिए मंत्रियों की बनी कमेटी में अब काम लगभग पूरा हो चुका है। और उपचुनाव के बाद कमेटी सरकार का रिपोर्ट भी सौंपेगी। इसी के साथ साथ रिव्यू कमेटी जो है वो गहलोत राज के छोटे जिलों को खत्म करने की सिफारिश करेगी। रिव्यू कमेटी में शामिल कई मंत्रियों ने इस तरह के संकेत भी दिए हैं। वहीं पूर्व आईएएस ललित पवार कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर जो है मंत्रियों ने हर जिले पर अपनी
राय दी है, जो कि जिले के मापदंड को पूरे कर रहे हैं। जहां जनसंख्या और क्षेत्रफल ज्यादा है, लोगों की सुविधा के लिए जिला बनना जरूरी है और उन जिलों की जो है बरकरार रखने की सिफारिश भी होगी। फिलहाल जिलों के रिव्यू के लिए अब जो काम है वो पूरा हो चुका है और इसी के साथ साथ अब उपचुनाव के बाद कमेटी जो है वो रिपोर्ट सौंपती हुई नजर आएगी। 5 से 6 वो छोटे जिले हैं जिन्हें का खत्म होना लगभग लगभग तय माना जा रहा है। और हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद राजस्थान बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया का राजनीतिक कद बढ़ा है। वे जब भी जयपुर में रुकते हैं बड़ी संख्या में लोग मिलने पहुंचते हैं और राजस्थान की राजनीति में उनकी नई भूमिका को लेकर भी चर्चा होने लगी है। इन तमाम सवालों के जवाब देते हुए सतीश पूनिया ने कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा हरियाणा भी आए थे, वहां भी गमछा हिलाया था, राजस्थान में भी गमछा हिला रहे हैं, मिला कुछ भी नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि वह इस तरह की डांसिंग एक्ट की जगह संगठन को ठीक करते हुए ज्यादा बेहतर होता। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद राजस्थान बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया का राजनीतिक कद बढ़ा है। वे जब भी जयपुर में रुकते हैं बड़ी संख्या में लोग मिलने पहुंचते हैं, राजस्थान की राजनीति में उनकी नई भूमिका को लेकर भी चर्चा होने लगी। और इन तमाम सवालों के जवाब देते हुए सतीश पूनिया ने कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा हरियाणा भी आए थे, वहां भी गमछा हिलाया था, राजस्थान में भी गमछा हिला रहे हैं, मिला कुछ भी नहीं। और वहीं राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि राज्य सरकार नए जिलों की समीक्षा के नाम पर प्रदेश में अस्थिरता और असमंजस की स्थिति उत्पन्न कर रही है। अपनी नाकामी छिपाने के लिए भजनलाल सरकार नए जिलों में कटौती के मंसूबे बना रही है। जूली ने कहा कि नए जिलों और संभागों का मुद्दा जो है अत्यंत संवेदनशील है और प्रदेश के दूरगामी हितों से जुड़ा हुआ है। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार राजस्थान विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए और सदन को विश्वास मिले। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि पूर्व आईएएस अधिकारी ललित के पवार ने नए जिलों को लेकर अपनी रिपोर्ट 2 महीने पहले राज्य सरकार को सौंप दी है। सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों की सब कमेटी इसके आधार पर नए जिलों की समीक्षा की बात कर रही है, लेकिन सरकार के मंत्री नए जिलों को लेकर निरंतर विवादास्पद बयान दे रहे हैं। अनेक नए जिलों के प्रति भजन लाल सरकार के मंत्रियों का पूरा ग्रह जग जाहिर है। हरियाणा में बीजेपी प्रभारी और बीजेपी राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने दीपावली गोवर्धन पूजा के पर्व पर जयपुर में श्री राधा गोविंद देव जी के दर्शन कर प्रदेश एवं देश की खुशहाली की कामना की। इस मौके पर मंदिर प्रांगण में सफाई कर स्वच्छता का संदेश देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के स्वच्छ भारत मिशन को मजबूती से आगे बढ़ाने का पार्टी कार्यकर्ताओं और आम जन से अपील की। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर जयपुर में पूनिया ने राधा गोविंद देव जी के दर्शन किए हैं और इसी के साथ साथ मंदिर प्रांगण में स्वच्छता अपनाया चलाया गया है, स्वच्छता अभियान चलाया गया है, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान को निभाते हुए अब वो आगे बढ़ रहे हैं। जहां राजस्थान में बता दें हरियाणा बीजेपी प्रभारी और बीजेपी राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने दीपावली गोवर्धन पूजा के मौके पर जयपुर में श्री राधा गोविंद देव जी के दर्शन कर प्रदेश एवं देश की खुशहाली की कामना की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को भी आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। मंदिर के प्रांगण में सफाई की स्वच्छता का संदेश दिया और इसी के साथ साथ पार्टी कार्यकर्ताओं और आमजन से भी स्वच्छ भारत मिशन को मजबूती से आगे बढ़ाने की अपील की। पूनिया ने किए राधा गोविंद देव जी के दर्शन, जहां पर मंदिर में पहुंचकर उन्होंने झाड़ू भी लगाया, स्वच्छता के संदेश भी देते हुए नजर आए और तमाम कार्यकर्ताओं पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को भी ये अपील करते हुए नजर आए कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वच्छता अभियान है उसे अब आगे बढ़कर लेके जाना चाहिए। कोटा जिले के रामगंज मंडी में दीपावली का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस दौरान शनिवार को शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में गोवर्धन एवं धूमधाम से मनाया गया, जहां पर महिलाओं ने घर आंगन को गाय के गोबर से गोवर्धन जी को बनाकर विधिवत पूजा अर्चना कर खुशहाली की कामना की। संतोष गुर्जर ने बताया कि दीपावली से ठीक एक दिन बाद गोवर्धन जी की पूजा होती है, लेकिन दीपावली 2 दिन होने से शुक्रवार को पड़वा माना गया है, जहां बाद शनिवार को गोवर्धन पूजन मनाया गया
और इसी के साथ साथ पूजन में घर पर बनाए गए विभिन्न प्रकार के पकवानों से तैयार अन्नकूट का भोग गोवर्धन स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को लगाया गया है और उनकी पूजा की गई है। इस दिन ब्रज मंडल के श्री कृष्ण मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण को 56 प्रकार के भोग भी लगाए जाते हैं। कोटा से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर गोवर्धन पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आंगन में गोबर से गोवर्धन बनाया गया है और इसी के साथ साथ पूजा अर्चना करते हुए भी लोग नजर आते हैं। बता दें कि कोटा जिले की राज रामगंज मंडी में दीपावली का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान शनिवार को शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में गोवर्धन पर्व की धूम देखी गई, जहाँ महिलाओं ने घर आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन की तस्वीर बनाकर विधिवत पूजा अर्चना की और खुशहाली की भी कामना करते हुए नजर आए। और इसी के साथ साथ संतोष गुर्जर ने दीपावली के जो है ठीक एक दिन बाद गोवर्धन जी की पूजन होती है, लेकिन दीपावली 2 दिन होने से शुक्रवार को पड़वा मनाया गया, जिसके बाद शनिवार को गोवर्धन पूजन मनाया गया। पूजन में घर पर बनाए गए विभिन्न प्रकार के पकवानों से तैयार अन्नकूट का भोग गोवर्धन स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को लगाया गया और उनकी पूजा अर्चना की। इस दिन ब्रज मंडल में आपको बताते चले कि श्री कृष्ण मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण को 56 प्रकार के भोग भी लगाए जाते हैं। तो देखिए दीपावली की धूम देखी गई, दीपावली भी 2 दिन की वजह से पड़वा भी दिवस मनाया गया और उसके बाद से जो है लोग 56 प्रकार के भोग करते हुए लगाते हुए नजर आए, भगवान कृष्ण को 56 प्रकार के भोग लगाते हुए लोग नजर आए। और राजस्थान में दीपावली के बाद अब तापमान में गिरावट शुरू हो गई है। सीकर, जोधपुर, हनुमानगढ़, जयपुर में रात का मिनिमम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। इससे सर्दी बढ़नी भी शुरू हो गई है। दिन में तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ गया है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राजस्थान में अगले 4-5 दिन मौसम पूरी तरह से शुष्क रहने और आसमान साफ रहने की संभावना जताई है। पिछले 24 घंटे के दौरान दिन का सर्वाधिक तापमान बाड़मेर में 37.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक उत्तर भारत में मौसम साफ होने और उत्तर पश्चिमी हवा चलने से राजस्थान समेत उत्तर भारत के राज्यों में तापमान गिरना शुरू हो गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 1 सप्ताह तक इसी तरह का तापमान रहने की संभावना है, क्योंकि अभी पहाड़ों पर ज्यादा बर्फ नहीं है। तो देखिए तापमान लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है और इसी के साथ राजस्थान में दीपावली के बाद अब तापमान में गिरावट शुरू हो गई है। सीकर, जोधपुर, हनुमानगढ़, जयपुर में रात का जो तापमान है मिनिमम वो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है। इससे सर्दी बढ़नी भी शुरू हो गई है और दिन में जो तापमान है वो 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ गया है, यानी कि रात को अब लगातार सर्दी पड़ती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ साथ आपको यह भी बताते चले कि मौसम शुष्क रहने और आसमान साफ रहने की संभावनाएं भी जताई गई है। 24 घंटे के दौरान दिन का सर्वाधिक तापमान बाड़मेर में जो है वो 37.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। वहीं मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक उत्तर भारत में मौसम साफ होने पर उत्तर पश्चिमी हवा चलने से राजस्थान समेत उत्तर भारत में के राज्यों में तापमान गिरना भी शुरू हो गया है। विशेषज्ञ जो है उनका ये कहना है कि अगले 1 सप्ताह तक इसी तरह का तापमान रहने की संभावना है, क्योंकि अभी पहाड़ों पर ज्यादा बर्फ नहीं है तो शुष्क मौसम होने की संभावना जताई गई है। लगातार तापमान गिरने से जो सर्दी है अब वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। तापमान नीचे गिर गया है, रात के समय में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया है। वही दिन की बात करें तो 37.8 डिग्री सेल्सियस तापमान बनता हुआ नजर आ रहा है। और प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास विभाग वैभव गालरिया और जयपुर विकास आयुक्त आनंदी के समक्ष बीसीजी द्वारा हाईटेक सिटी पर प्रेजेंटेशन दिया गया। बैठक में निदेशक अभियांत्रिकी, द्वितीय निदेशक आयोजना, निदेशक वित्त सहित वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे। बैठक में बीसीजी के प्रोजेक्ट लीडर शेयर रमन द्वारा हाईटेक सिटी कैसे विकसित की जा सकती है और इससे क्या परिलाभ होंगे, इसके बारे में पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी गई। रमन द्वारा हाईटेक सिटी से संबंधित प्रमुख के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें कनेक्टिविटी, मिक्स यूज जोनिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया गया। और दीपावली की पूर्व संध्या पर रोटी बैंक बांसूर द्वारा कस्बे के सुभाष चौक पर एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रथम दिया मुख्य अतिथि पूर्वाधिशासी अभियंता एस के मिश्रा द्वारा प्रज्वलित किया गया। और इसी के साथ साथ रोटी बैंक संचालक आरसी यादव ने बताया कि अखंड भारत की सीमाओं की रक्षा
करते हुए शहीद होने वाले वीरों की याद में यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इस मौके पर बीजेपी जिलाध्यक्ष डॉक्टर शशिकांत बोहरा, एएसआई अशोक कुमार, प्रताप सिंह, इंजीनियर जयसिंह मीणा, जिला पार्षद मनोज यादव, सुभाष बुराला, सुरेंद्र राव, अजय यादव, हीरा लाल, सिरोही बाल और इसी के साथ साथ राम सिंह यादव सहित रोटी बैंक की टीम मौजूद रही। नगौर खिमसर विधानसभा से आरएलपी उम्मीदवार कनिका बेनीवाल उपचुनाव को लेकर बुधवार को एक दर्जन से अधिक गांव का दौरा किया। वहीं उनके साथ सांसद हनुमान बेनीवाल, पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल, आरएलपी नेता मेघा सिंह चौधरी, भागीरथ डूडी सहित जो है नेता कई मौजूद रहे। कनिका ने कहा कि खिमसर प्रदेश में विकास कार्यों में अग्रणी और विकास का यह क्रम और अधिक चले, इसलिए अपने आने वाले 13 नवंबर को वोटर के चिन्ह पर मतदान करना है। कनिका बेनीवाल ने सांसद हनुमान बेनीवाल और पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल द्वारा करवाए गए विकास कार्यों का भी जिक्र किया। वहीं नारायण बेनीवाल ने भी लोगों से आरएलपी के पक्ष में मतदान की अपील की। जयपुर के कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक का आयोजन हुआ। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में जिले में जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं की तकनीकी स्वीकृतियों एवं कार्य की वर्तमान प्रगति, हर घर नल से जल कनेक्शन की वस्तु स्थिति सहित अन्य अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई। जिला कलेक्टर ने कहा कि जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग और डिस्कॉम के अधिकारी आपसी सहयोग एवं समन्वय से कार्य करते हुए ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन करें ताकि योजना के तहत जिले को मिले लक्ष्य को शत प्रतिशत हासिल किया जा रहा सुनिश्चित किया जा सके। धौलपुर पुलिस ने खाद्य विभाग से उलट मिलावटखोरों के खिलाफ बीते 24 घंटे में एक साथ कई जगह पर छापेमार कार्रवाई की है। पुलिस ने मुस्तैदी से बड़े स्तर पर नकली मावा मिठाई और मिल्क केक की खेप पकड़ी गई है और एक साथ कई जगह हुई कार्रवाई के बाद बड़े स्तर पर मिलावटी सामान पकड़े जाने पर मोबाइल फॉरेंसिक टेस्टिंग लैब से उनके नमूने लिए गए, जिसमें प्रारंभिक जांच में यह मावा मिलावटी पाया गया। कार्रवाई की सूचना खाद्य विभाग को दी गई। इसके बाद खाद्य विभाग की टीम ने मिलावटी मावे को नष्ट करते हुए सैंपल लिए। एक साथ बड़ी मात्रा में मिलावटी सामान मिलने के बाद भी खाद्य विभाग ने किसी के खिलाफ कोई कानूनी मामला दर्ज नहीं कराया, जिससे खाद्य विभाग की कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। दीपावली के त्यौहार को देखते हुए पूरे राज्य में शुद्ध आहार एवं मिलावट पर वार अभियान संचालित है। इसी क्रम में धौलपुर जिले में लगातार 8 अक्टूबर से कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत आज श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश अनुसार सुबह बदरिका में एक कोल्ड स्टोरेज में मिक्स केक रखा हुआ था, जिसमें से नमूना लेकर के करीब 2220 किलो मिक्स केक जो बदबूदार था उसको नष्ट करवाया गया मौके पर गड्ढा खुलवा करके। दूसरी कार्रवाई में बोधपुरा में नन्हे खां मावा भंडार, जिसमें 4 नमूने लिए गए हैं। एक नमूना मावा का, एक मिश्रित दूध का और एक क्रीम का नमूना लिया गया है और एक अपना इसका घी का नमूना लिया गया है। 170 किलो घी को सीज किया गया है संदेह के आधार पर और करीब 1400 किलो मावा जो मोबाइल फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी जो हमारे साथ चल रही है उसकी जांच में रिफाइंड की पुष्टि हुई है उसको नष्ट करवाया जा रहा है। बांसुर कस्बे के पुराने अलवर स्टैंड पर ब्यूटी पार्लर की दुकान का मामला है, जहां पार्लर की दुकान के बाहर बाइक खड़ी करने को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि ब्यूटी पार्लर बस संचालिका ने बाइक सवार पिता पुत्री के साथ मारपीट कर दी, जिसके बाद सड़क के दोनों ओर लंबा लंबा जाम लग गया। वहीं मौजूद लोगों ने महिला की बदसुलूकी को लेकर आक्रोश जताया। मौके पर पुलिस पहुंची तो महिला पुलिस के साथ भी उलझ पड़ी। महिला ने पुलिस कर्मियों के कपड़े फाड़ दिए। मौजूद लोगों ने कहा कि महिला आए दिन लोगों से उलझती रहती है और अभद्रता करती रहती है। जब मैं वहाँ से आ रहा था सब्जी लेने के लिए, बोले कच्चे नारे लेने के लिए, तो मैं उसके सामने गाड़ी खड़ी कर दी। मेरे को वो बोली अब थोड़ा सा आगे सरका लो गाड़ी, मैं आगे सरका लिया। फिर मैं चल दिया, फिर दूसरा वो मोटरसाइकिल बीच रोड बीच करने लग गया। फिर वो मैं उसका हाथ पकड़ के मैं बच्चों इधर कर देता हूँ, ये बात थी। उस पर लड़ाई झगड़ा करने लग गया। नहीं, आपके कहाँ काम आ रही? मेरी एक तो ये लग रही सामने, एक गला बीच लिया
अच्छा गला घोट लिया वो दूसरे लड़के ने, और लड़की का कहाँ मारी? लड़के के वो औरत मारी, लड़की को हाथ पकड़ के उठ दिया। बाड़मेर जिले के रिको थाना पुलिस ने जानलेवा हमले के मामले में 7 महीनों से फरार चल रहे आरोपी ओम प्रकाश निवासी गाला बेरे को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी थाना स्तर के टॉप चेन पार्ट्रेट में शामिल था, 10,000 का इनामी है। जहां पर एसपी नरेंद्र सिंह ने मीना ने बताया कि वांछित अपराधियों की धर पकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। आरोपी ओम प्रकाश जाट थाना कोतवाली के गंभीर मारपीट के प्रकरण में करीब 7 माह से वांछित चल रहा था। थाना स्तर पर टॉप 10 वांटेड की सूची में शामिल कर 10,000 रुपए के इनाम की घोषणा की गई। आरोपी के ठिकाने में दबिश दी गई। पुलिस की भनक लगते ही आरोपी भागने लगा। टीम ने करीब 1 किलोमीटर पीछा कर आरोपी ओम प्रकाश जाट को दस्तायब कर पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर लिया। और अलवर के रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार निर्मला सोरा ने बीजेपी के समर्थन में नामांकन वापस लेने के बाद आज जयपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के निवास स्थान पर मुलाकात की है। और इसी के साथ दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने निर्मल सोरा को साफा और माला पहनाकर अभिनंदन किया। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि निर्मल सोरा ने बीजेपी के पक्ष में समर्थन देकर नामांकन वापस ले लिया है और इससे साफ है कि राष्ट्र और संगठन हित में हो रहे कार्यों के लिए आमजन बीजेपी के परिवार के साथ है। निर्मल सोरा और उनके कार्यकर्ता बीजेपी प्रत्याशी के साथ मिलकर कार्य करेंगे और कमल के निशान पर अधिक से अधिक संख्या में मतदान भी करवाएंगे। नागौर विधानसभा उपचुनाव में खींवसर विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार कनिका बेनीवाल ने मंगलवार को जनसंपर्क शुरू किया। उनके साथ नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल, पूर्व विधायक इंदिरा देवी बावरी, पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल, रालोपा नेता भागीरथ डूडी, पूर्व प्रधान पूना राम मेघवाल, पूर्व उप प्रधान मेघ सिंह चौधरी सहित कई नेता साथ रहे। कनिका बेनीवाल ने कहा कि बीजेपी डबल इंजन सरकार की बात करती है, लेकिन असल मायने में डबल इंजन की सरकार तब बनेगी जब आप खींवसर से फिर से आरएलपी को जिताएंगे ताकि लोकसभा में आपके सांसद जनता के मुद्दे उठा सकें और विधानसभा में वो खुद मुद्दे उठा सकें। सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि यह चुनाव आरएलपी की प्रतिष्ठा का चुनाव है और सरकार की पूरी ताकत विरोध में खड़ी है। तो वही पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल, पूर्व विधायक इंदिरा देवी बावरी ने भी रालोपा उम्मीदवार कनिका बेनीवाल के समर्थन में मतदान की अपील की है। और बीकानेर विधायक जेठानंद ब्यास द्वारा एक ही दिन में 2 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों बजरंग धोरा तथा कर्मी सर का उद्घाटन कर धनतेरस के मौके पर क्षेत्र की जनता को बड़ा उपहार दिया गया। क्लिनिक पर चिकित्सक, फार्मासिस्ट, एएनएम, नर्सिंग स्टाफ सहित 7 कर्मियों की सेवाओं के साथ प्रसव पूर्व जांच, टीकाकरण, मलेरिया, डेंगू सर्विलेंस, निःशुल्क दवा और जांच का लाभ भी मिलेगा। उद्घाटन समारोह में उपस्थित क्षेत्रवासियों को संबोधित करते हुए विधायक ब्यास ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार स्वास्थ्य के प्रति कितनी गंभीर है, यह इसी बात से पता चलता है कि थोड़े से समय में ही एसडीएम जिला अस्पताल में व्यवस्थाएं सुधारते हुए ऑपरेशन भी शुरू करवा दिए गए और इसमें सुविधाओं का सतत विकास किया जा रहा है। बीकानेर जिले के संपूर्ण विकास के लिए बीकानेर विकास प्राधिकरण का काम शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि सीवरेज निकासी के लिए राज्य सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की गई है और इसी प्रकार पेयजल के लिए 300 करोड़ की योजना की स्वीकृति का प्रयास जारी है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि इसी राज्य सरकार द्वारा कोट गेट रेलवे फाटक समस्याओं का भी स्थायी हल निकालना जाएगा। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को शासन सचिवालय में वन्य जीव मंडल की स्थायी समिति की द्वितीय बैठक आयोजित किया गया। बैठक में सदस्यों द्वारा प्रदेश के वन्य जीव स्वीकृति से संबंधित नए 14 प्रस्ताव तथा 3 पुनर्विचार के प्रस्ताव पर चर्चा की गई एवं समिति के गत बैठक में दिए गए जो है निर्देशों के पालना की समीक्षा की गई। शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण को गति देने की दिशा में हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश के वन्य जीव संरक्षित क्षेत्रों में वन्य जीव एवं वन संपदा को बेहतर वातावरण उपलब्ध हो सके इसके लिए नियमों को भली भांति पालन को सुनिश्चित किया जा रहा है। माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य में व्यापक स्तर पर फैली हुई खरपतवार लैंटानास के उन्मूलन के संबंध में उचित कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस खरपतवार प्रजाति के कारण अभयारण्य के पर्यावरण पर पड़ रहे विपरीत प्रभाव को जल्द ही रोका जाना चाहिए। बैठक में संरक्षित क्षेत्रों के साथ ही वन्यजीव संरक्षण को लेकर सदस्यों की ओर से सुझाव साझा किए गए।
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।